नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आदाब, मैं सीके रेशमा, आसनसोल के तमाम लोगों को मेरे ओर से ईद मुबारक। लॉकडाउन के वजह से आप लोगों ने रमजान के महीने में घरों में इबादत किया, उसकी बरकत से खुदा हम सबको कोरोना से निजात जरूर दिलाएंगे। आप सबको जरूर मालूम होगा कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री इस कोरोना के लड़ाई में किस प्रकार हम सब बंगाल वासियों की रक्षा कर रही हैं, और साथ ही हमारे आसनसोल नॉर्थ के विधायक जनाब मलय घटक जी पूरे लॉकडाउन के इस संकट के समय आसनसोल के तमाम लोगों का देखरेख कर रहे हैं। इस साल ईद एक नई उमंग, नई खुशियां से मनाएंगे और हम सब मिलकर दुआ करेंगे कि हम इस कोरोना पे जीत हासिल करेंगे। और मेरी आप सब से गुजारिश है कि जब आप दुआ करें, हमारी बंगाल की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी को भी अपने दुआ में शामिल ज़रूर करें। आप तमाम लोगों को मेरे वार्ड के और आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जितने लोग हैं सभी को आपकी इस बहन के ओर से मेरे जनीब से ईद मुबारक। जय हिंद, जय बंगला। अस्सलाम वालेकुम, मैं अस्मिता खातून, भाजपा किसान मोर्चा आसनसोल डिस्ट्रिक्ट की जनरल सेक्रेटरी। आज ईद के इस सुनहरे मौके पे मैं पहले मेरे अब्बू अम्मू और हमारे राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री मोदी जी और मेरे प्यारे देशवासियों को मेरे तरफ से सलाम और ईद मुबारक। अभी ये जो पूरे विश्व में जो महामारी चल रहा है कोरोना वायरस नाम का, इस समय पर भी हमारे जो मुस्लिम भाई हैं सब घर पे नमाज पढ़े हैं सरकारी नियम को मानकर, उसके लिए मैं सबको स्पेशल धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरे सबसे गुजारिश ये है कि सब ये जो सरकारी नियम है कृपया इसको मान के चले, ताकि हमारे देश इस महामारी से आगे जा सके और हरा सके हमारे ये वायरस को, कोरोना वायरस से हम लड़ सके और अगले साल जब ईद आए तो उसको हम बहुत ही शानदार तरीके से निभा पाए। अंकुश नामक एक ছেলে আছে, তার মা মাস্ক রেডি করছে আর ও ক্লাস 3 স্টুডেন্ট, এখন মাস্ক বিলি করছে, বিক্রি করছে নিজের আর্থিক অবস্থা চালাবার জন্য। ওর বাবা লকুয়াগ্রস্ত হয়েছে এটাও খবর পেয়েছি। এই খবরটা পাওয়ার পর দৈনিক জাগরণ থেকে আজকে রাইজিং আসানসোল তরফ থেকে গৌরব, কুলদীপ, কাশিম, আমি আমাদের টিম থেকে কিছু মেম্বার রিপ্রেজেন্ট করে ওর কাছে এসে চাল, আলু, ডাল, আটা, তারপর আপনার স্যানিটাইজার, গ্লাভস, যা যা দরকার হয় একটা বাড়ি চালাবার জন্য ওটা এক মাসের জন্য ওটা দিয়েছি, তার সাথে 2000 টাকা আর্থিক সহায়তাও করা হয়েছে। अपना नाम आदर्श शर्मा। को खबर मिला था कि एक बच्चा है ध्रुव डेंगल में, अंकुश कुमार मिश्रा, वो 10 साल उसका उम्र है, वो मार्क्स बिक्री कर रहा है घूम घूम के, अपना पढ़ाई छोड़ के 3 क्लास में पढ़ता भी है वो। साथ ही वो उसके पिताजी को पायलिसिस हुआ है, लकवाग्रस्त के पिताजी, माँ उसकी मार्क्स बनाती है वो बेचता है। तो हम लोग को जो पता चला उसका अवस्था बहुत बुरा है, तो हम लोग का टीम है राइजिंग आसनसोल, राइजिंग आसनसोल की तरफ से आदर्श है और कुलदीप है और काशिफ भाई, हम लोग सब पूरा टीम जो है हम लोग मिलकर डिसाइड किए हैं कि इसको कुछ मदद करना चाहिए। तो आज हम लोग उसको लगभग 1 महीने का राशन है पूरा, इसमें आपका चावल, आटा, आलू से लेकर तेल, मसाला, बिस्किट, सैनिटाइजर, ग्लव्स, मास्क और बहुत टोटल सामान है घर में चलाने के लिए, 1 महीने का पूरा राशन है वो दिए और साथ ही 2000 रुपये का आर्थिक मदद भी दिए। साथ साथ हम लोग अंकुश को बोले हैं कि तुम पढ़ाई करो बाबू, तुम्हारा मदद करने के लिए हम लोग हैं और आगे पढ़ाई को और अच्छे से करने के लिए भी जो हेल्प लगेगा उसको भी हम लोग करेंगे। आपका नाम? गौरव गुप्ता।